एमडीएसडी कॉलेज अम्बाला शहर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा की अध्यक्षता में पर्यावरण जागरूकता एवं पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण की वजह से ही हम शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं, शुद्ध जल और भोजन का सेवन कर पा रहे हैं। पर्यावरण न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी ये हमें शांति प्रदान करता है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भूमिका राजनीति विज्ञान विभाग से प्रोफेसर धनंजय कुमार ने निभाई। इन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि आदि कारणों से पर्यावरण हमारे लिए चिंता का कारण बन गया है। न केवल मानव के लिए बल्कि अन्य जीवित प्राणियों के लिए भी पर्यावरण संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर भी जीवन की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आगरा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को पौधा देकर उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सफलतापूर्वक आयोजन के लिए कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा ने प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा और प्रोग्राम ऑफिसर धनंजय कुमार को बधाई दी और इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रेरित किया। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। अगर आप सब लोग अपने आप में ठानों की हम जो हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम कहीं पर भी अगर देख रहे हैं कि पर्यावरण को कहीं भी हानि पहुंच रही है तो हम उसमें जो है अपना योगदान देंगे। तो मेरे लेक्चर का मेन पर्पस ये है आप सब लोग पर्यावरण को लेकर के अवेयर करना, जागरूक करना, ठीक है ना, ताकि अच्छे नागरिक बनकर के अपनी भूमिका को निभा सको। जो हम चलते फिर देखते हैं ना, अपनी तस्वीर पढ़ाई देख लिया, कुछ भी कर दिया, वो एक अच्छे नागरिक बनेगा, अच्छे बच्चे बनेगा, पहचान नहीं है हमारी, पहचान ये है ना, कहीं भी गंदगी रहते हैं, कुछ भी अगर देखते हैं तो हम उसको उठा करके जहाँ उसकी जगह है उस जगह इंडिया के अंदर बहुत काम किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको 1964 के अंदर स्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्टैब्लिश करने का मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस ये था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होते हैं जिसको हम शॉर्ट में SPM बोलते हैं, तो इतने छोटे छोटे होते हैं बेटा, आपकी आंखों से तो उसको देख भी सकते हो। जब तक आप माइक्रोलेंस लेकर के नहीं लोगे तब तक वो SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर दोनों को आपको नहीं देखेंगे, इतने छोटे छोटे होते हैं। लेकिन वो कहीं अभी सांस के थ्रू हमारे जब भी अंदर जाते हैं उससे बहुत सारी जो है हार्ट के डिसीज होते हैं, ठीक है। देखते हो कितना पोल्यूशन करता है, दिल्ली के अंदर जा करके देखो दिल्ली के अंदर क्या हाल हो जाता है, हमारा भी देखो ना, कई बार हम देखते हैं बिल्कुल बादल के अंदर अपने धुआं धुआं देखता है, वो क्या है, वो पोल्यूशन ही तो होता है ना, चाहे वो पराली के थ्रू हो या जो व्हीकल्स चलती हैं उनके थ्रू हो। तो हमारी भारत सरकार भी राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत काम किए गए हैं। इन्वायरमेंट को लेकर के सबसे पहली बार जो मीटिंग है बेटा वो 1972 के अंदर हुई थी, मतलब 1972 में पहली बार लोग जो है जाते थे कि उनको ये लगा था कि हमें जो है आप पर्यावरण सुरक्षा के लेकर के काम करना चाहिए। और पहले मीटिंग कब हुई, 1972 में स्टॉकहोम के अंदर, स्टॉकहोम नाम क्या है, स्वीडन की कैपिटल है, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है दिल्ली, उसी तरीके से स्वीडन क्या है, सॉरी स्वीडन की कैपिटल क्या है स्टॉकहोम, वहाँ पर जो है एक मीटिंग होती है 8 जून से लेकर के 16 जून तक, तो ये जो भी 10-12 दिन की मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर दुनिया भर से अलग अलग जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके लीडर्स ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और उन सबके लीडर्स ने वहाँ पर वचन लिया था हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। हम अपने अपने कंट्री के अंदर जा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर जो है उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जो कि इंदिरा गांधी के उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उसी तरीके से हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग को अटेंड किया और उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब वो अपने देश में आए तो अपने देश के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाने शुरू किए ताकि हम इन्वायरमेंट कर सकते, ठीक है ना। आप हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी के ऊपर हम फोकस करते हैं, क्यों,